नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जमुई की रणभूमि में, जहां एक लाख टके का सवाल गूंज रहा है कि क्या चिराग पासवान इस बार हैट्रिक लगाएंगे जमुई से या फिर कोई नया खेल आप जमुई में होने वाला है। देखिए, बहुत तरह की चर्चा होती है जमुई को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान इतनी बड़ी हस्ती जो जमुई से दो बार जीत चुके हैं, कहा जाता है कि हाजीपुर से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या हाजीपुर जाएंगे या जमुई में रहेंगे? इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे हैं जो एनडीए के तरफ से और महागठबंधन के तरफ से इस बार जमुई की रणभूमि में उतरने वाले हैं? तो आइए ये जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जमुई के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। धन्यवाद सर। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो चर्चा होती है कि चिराग पासवान हो सकता है कि जमुई नहीं लड़के हाजीपुर लड़ेंगे, इसके बारे में क्या है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, अभी सरोज जी अभी तो एक सभा में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जी मैं हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा, जी लेकिन जब तक गठबंधन तय नहीं होती है तब तक अभी कहना इतना जल्दीबाजी होगा कि वो किस लोकसभा से, हाजीपुर से लड़ेंगे या जमुई से लड़ेंगे। जमुई से भी संभावना है उनकी चुनाव लड़ने की बनी हुई है। तो प्राथमिकता वो जमुई को छोड़ के हाजीपुर क्यों दे रहे हैं? जमुई से वो दो बार जीत चुके हैं और लोग बताते हैं कि इस बार भी माहौल ठीक है, तो फिर क्यों जा रहे हैं हाजीपुर? चूंकि विरासत की राजनीति उनके पिता की मिली है हाजीपुर से, उसको संभालना उनके लिए जरूरी है। जमुई भी वो ऑप्शन दिए हुए हैं, जी, वो सीटें गठबंधन तय होनी चाहिए, लेकिन इसलिए कि वो ज्यादा तवज्जो हाजीपुर सीट को अभी जमुई के बनिस्पत दे रहे हैं। तो एक सवाल फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर वो हाजीपुर चले गए जैसा कि उनकी इच्छा है और बहुत लोग चाहते हैं, तो फिर जमुई सीट पर क्या होगा, वहाँ से कौन प्रत्याशी होगा या वो सीट जो जमुई है? सीट पर, जी, बताइए। जमुई सीट पर देखिए, अभी ये तय नहीं है कि एनडीए गठबंधन से अगर चिराग जी छोड़ते हैं तो जी कौन आएगा। बीजेपी भी लगी हुई है कि वहां हो सकता है अगर चिराग जी छोड़ते हैं तो वो सीट छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। वो किसी न किसी तरह अपने गठबंधन अपने पार्टी से किसी को ला सकते हैं, कई नाम है उनके पार्टी से। इसके अलावा जैसे उस अन्य नाम का पार्टियों कुछ से, चर्चा करिए, वो कौन सा नाम हो सकता है चिराग की जगह पर जो लड़ना चाहते हैं उनकी पार्टी से? जैसे कि उनके महासचिव हैं संजय पासवान, उनके नामों की भी चर्चा है जी, और भी कई नाम हैं जो चुनाव लड़ सकती हैं। दूसरे इंडी गठबंधन से ज्यादातर कैंडिडेट हमको दिख रहा है एनडीए के बनिस्पत, क्योंकि नहीं चिराग एक इंडी, बड़ा संजय नाम जी, है। इंडी गठबंधन में हम आएंगे, पहले हम एनडीए की चर्चा कर सकते हैं। एक सवाल उठता है कि अगर चिराग पासवान वहां से नहीं लड़ते हैं तो क्या वो सीट भाजपा को जा सकती है या दूसरे सहयोगी दलों को जा सकती है, जैसे जीतन राम मांझी ने भी जमुई पर अपना दावा ठोका था? जीतन राम मांझी के लड़के के भी संतोष सुमन का भी नाम वहां एनडीए गठबंधन से, एनडीए से नाम आ रहा है, उनकी दावेदारी भी मजबूत है। इसके अलावा संजय पासवान है, लोजपा के महासचिव हैं, उनका नाम भी उनकी पार्टी की ओर से आ रहा है। जी, तो ये तो हुई एनडीए वाली बात। अब हम आते हैं महागठबंधन में, तो महागठबंधन में क्या सीन है, कितने चेहरे हैं और उसमें दम कितना है ये बताइए। केवल चेहरा नहीं, उसमें राजनीतिक ताकत कितनी है ये भी बताइए। देखिए सरोज जी, अभी जो एनडीए से बनिस्पत मेरी नजर में अगर देखिए, जो जमुई को हम देख रहे हैं उसमें जी ज्यादातर इंडी गठबंधन के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। अब राजद से ही लीजिए, राजद से उदयनारायण चौधरी का नाम है, जी एक उदयनारायण चौधरी का नाम है। उसी गठबंधन से सपना चौधरी है, मुकेश यादव, उनकी पत्नी का नाम आ रहा है। जी इसके अलावा स्मृति पासवान का नाम, वो भी कई दिनों मेहनत कर रही है बहुत दिनों से, जी और बिल्कुल उनका नाम भी है। आईपी गुप्ता कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के ये कैंडिडेट जी का नाम हम बता रहे हैं। जी इसमें जी सबसे बड़ी बात है कि एक छुपे रुस्तम भी हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए, हमारी उनसे बात हुई थी, उनकी दावेदारी भी मजबूत है। पूर्व सांसद हमारे उदय, ये हमारे जमुई के पूर्व सांसद रहे हैं भूदेव चौधरी का भी नाम, उनसे बात हुई थी, वो भी अपनी दावेदारी अभी छोड़ नहीं रहे। अशोक चौधरी हैं, भूदेव एक बड़ा नाम जो जी जदयू के
प्रस्तावित है, उनका नाम, उनका भी नाम आ रहा है, वो भी काफी दिनों से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। देखिए, जब तक गठबंधन की सीटें तय नहीं होती है, जब तक तब तक नाम कहना अभी मुश्किल होगा। ये सब नाम अभी है, तो अशोक आईपी चौधरी गुप्ता है तो कांग्रेस से। जी, आईपी गुप्ता कांग्रेस से लगे हुए हैं तो, लेकिन अशोक चौधरी तो पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उदय नारायण चौधरी भी पहले से चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या वहाँ की जो हालात है, सियासी हालात है जम्मू की, उसको देखते हुए क्या इन प्रत्याशियों को इनकी पार्टी वहाँ रिपीट करेगी या फिर कोई नया चेहरा लाएगी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कुछ नए नामों की? बिल्कुल नया चेहरा आ सकता है। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, उदय नारायण चौधरी राजद से कैंडिडेट रहे हैं, जी भूदेव चौधरी भी बताया आपको जेडीयू से कैंडिडेट रहे हैं। अब जी जी देखिए, अगर अशोक चौधरी चुनाव मैदान में आते हैं तो एक बड़ा नाम वो भी है। हालांकि अभी जो सीन दिख रहा है जमुई लोकसभा में, चिराग जी एक बड़ा नाम है के साथ अब एक बड़ी हस्ती भी है, और जी जी रुझान मतदाताओं का उनके तरफ अभी जो दिख रहा है आज के डेट में, कल क्या होता है, कल का क्या सीन बनता है, ये कहना मुश्किल। लेकिन आज के दौर में चिराग एक बड़ा नाम, एक बड़ा फैक्टर है जमुई के लिए। सबसे बड़ी बात है उनकी बदनामी नहीं है क्षेत्र में, और एक ईमानदार छवि की उनकी बनी हुई है, और बड़ी हस्ती होने के साथ रुझान थोड़ा ज्यादा उनका मजबूत है अभी आज के डेट में। कल क्या होता है सरोजी, गठबंधन की सीटें किधर जाती है। जी, नीतीश तो कुमार एक बड़ा फैक्टर है, नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार का अगर अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो स्वाभाविक है मजबूत होगा वो गठबंधन, अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो बहुत ज्यादा मजबूत होगा एनडीए गठबंधन। संजय जी देखिए, जमुई के सियासत को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, वहाँ के चीज़ों से वाकिफ हैं, तो अगर चिराग पासवान वहाँ उम्मीदवार होते हैं, अभी तो हम लोग कल्पना पर ही बात कर रहे हैं क्योंकि बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन अगर चिराग पासवान वहाँ से लड़ते हैं तो उनके प्रतिद्वंदिता में उनके जो सामने जो चेहरा होगा वो ज़्यादा मजबूत अशोक चौधरी होंगे, आईपी गुप्ता होंगे या स्मृति पासवान होगी या उदय चौधरी होंगे? आप कैसे इसको क्रम देंगे, अगर आपको क्रम देने की बात हो कि चिराग के सामने कौन, अगर 1 2 3 4 करना हो तो आप कैसे उसको सजाएंगे? सर, प्राथमिकता चिराग के सामने, अगर बड़ा चेहरा, अगर मेरी मेरी नजर से, मेरी व्यक्तिगत राय से अगर देखें तो हम अशोक चौधरी को एक नंबर देंगे, जी नंबर वन। वो दूसरे और भी कैंडिडेट हैं, अगर आईपी गुप्ता कांग्रेस से लड़ते हैं तो लोकल होने के नाते उनको उसका फायदा मिल सकता है। दूसरे जी नंबर पर हम लोग तीसरे नंबर पर मान रहे हैं कि उदय नारायण चौधरी भी हैं, वो भी जी जी एक लड़ चुके हैं चुनाव, उनका भी अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं बहुत दिनों से। चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, निरंतर उनका अपना काम जम्मू के इलाके में जारी है। और स्मृति पासवान को उसके बाद हम लोग क्रमवार में देंगे नाम। कहते हैं कि पान समाज आईपी गुप्ता के पीछे गोलबंद है और पान समाज के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पान समाज चाहता है कि आईपी गुप्ता चुनाव लड़े और काफ़ी दबाव भी पार्टियों पर है, इसमें क्या बात है? क्या पान समाज की संख्या इतनी है जो आईपी गुप्ता को जमुई के लिए मजबूत बनाती है उनके दावेदारी को? देखिए, पान समाज की संख्या बहुत अधिक हो या कम हो ये मायने नहीं रखता आईपी गुप्ता फैक्टर के मामले में। आईपी जी गुप्ता लोकल है, ये एक फैक्टर है, ये जी काम करेगा, क्योंकि आईपी गुप्ता की पहचान अपने इलाके में है, वो भी जी बहुत दिनों से है इलाके में। स्थानीय होने के नाते निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलता है अगर वो कैंडिडेट बनते हैं चिराग के सामने, जो कि जी चिराग एक बड़ा चेहरा है। अब कितना उनको टक्कर दे पाएंगे ये कहना मुश्किल है, और लेकिन इसका फायदा उनको मिलेगा आईपी गुप्ता को स्थानीय होने के नाते। देखिए 19 के चुनाव में भी हमने देखा था कि आप बड़ी मेहनत कर रहे थे चुनाव में, जगह जगह जा रहे थे, तो 19 और ये 24, ये 5 सालों में क्या सियासी समीकरण बदला है जमुई का? इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि क्या परिस्थितियां बदली हैं। देखिए देखिए, परिस्थिति बदली है। पहले हमारे इलाके में, पहले देखिए वोटिंग, अभी जो लोकसभा का जो पैटर्न है वोटिंग का, वो मोदी बनाम अन्य के होता है। मोदी जी एक जी बड़ा फैक्टर है, और अभी विश्लेषण अगर आप करिएगा तो देखिएगा, सबसे बड़ा अगर फैक्टर है तो धर्म ऊपर जाता है, उसके आधार पर राजनीति होती है। मोदी जी और धर्म दो एक समांतर चीजें हैं, दोनों जी कहिए तो एक नंबर पर रखिएगा। फिर जाति फैक्टर होता है बिहार में, बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी और धर्म की राजनीति को ज्यादा तवज्जो मिलता है। अभी भी वही फैक्टर है सरोजी, अगर मेरे नजर से देखिएगा
अभी भी अभी ये जो कार्यक्रम इन लोग का चल रहा है, महिलाओं का जो वोट है, वोट बैंक है उसका, उस पर अभी भी मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहीं कब्जा नहीं कर सकते हैं, लेकिन रुझान महिलाओं का जी जी ज्यादा रहता है लोकसभा चुनाव में। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अगर आप देखिए, जब जाइएगा तो नीतीश कुमार फैक्टर ज्यादा काम करता है महिलाओं पर, महिलाएं ज्यादा तवज्जो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट बैंक देती करती है। है। तो राम मंदिर का असर पड़ रहा है, मतलब कहने का है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 को होने वाली है, इसका असर देखा जा रहा है खासकर महिला वोटरों में। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी बीजेपी देखिए, बीजेपी के पास अपने कैडर जो भी हम देख रहे हैं क्षेत्र में जो काम हो रहा है, घर घर जाके अक्षत दे रहा है, जगाया जा रहा है, तो धार्मिक एक भावनाएं स्वाभाविक है, जगती है लोगों के अंदर, खास करके महिलाएं तो ज्यादा मानती है। हम तो थोड़ा सा मतांतर भी होता है हम पुरुषों में, लेकिन जी महिलाएं इसको ज्यादा ये लेती है, और उसका असर हम देख रहे हैं क्षेत्र में अभी कि वो असर करेगा। जी 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 तो ये एक अंतर दिख रहा है 19 और 24 वाले में, जो ये राम मंदिर का मामला है, ये कहीं ना कहीं से एनडीए को बढ़त देता है और लगता है कि इसका असर भी पड़ेगा वोट देने में। यही कहानी है देखिए जम्मू दो की। जी, 2019 में आप सरोजी देखे होंगे, पुलवामा अटैक के बाद काफी चीजें चेंज हुई थी, लोगों का एक जी माहौल बदला था एनडीए के प्रति वोट के रूप में, वो आया भी वोट बैंक। अभी वही राम मंदिर का फैक्टर बहुत तवज्जो बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, और वो तब्दील होगा, हम मेरा अपना मानना है कि वोट बैंक में निश्चित तौर पर। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जो बता रहे थे कि जमुई की रणभूमि में अभी बहुत सारी चीज़ें तय नहीं है, लेकिन जो अनुमान है वो यही है कि चिराग पासवान का मुकाबला जिससे भी होगा उसमें राम मंदिर का फैक्टर एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर के रूप में काम करेगा और महिला वोटर इस बार बहुत ही निर्णायक होगी जम्मू क्षेत्र में। कैंडिडेट अभी तय नहीं हुए हैं, आप हम सभी जानते हैं, संजय जी भी ने बताया कि अभी कैंडिडेट तय नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं, कोई नया चेहरा भी चिराग के सामने इस बार आमने सामने हो सकता है, ऐसा अनुमान उनका है। तो आप हमसे जुड़े संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार, अगले प्रोग्राम में किसी दूसरे रणभूमि में आपको ले चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।